ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणार। भगवान का स्मरण करें श्रद्धा से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। का जो दिन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे तो भगवान ने सभी दिन महत्वपूर्ण बनाए हैं, लेकिन आज का दिन मार्गशीर्ष का महीना, जो कार्तिक के बाद महीना आता है, इसको मार्गशीर्ष कहते हैं। और गीता के 10वें अध्याय में आप पढ़ते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, जो 12 महीने हैं उनमें मार्गशीर्ष का महीना ये बड़ा महत्वपूर्ण। भगवान ने अपनी विभूति इसको बताया। विभूति योग में जहाँ श्रोतसामस्मि जाह्नवी जैसे श्रोतों में गंगा जी को अपनी विभूति बनाया बताया, स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में हिमालय को अपनी विभूति कहा, ऐसे ही पुरुषों में अर्जुन को जैसे अपनी विभूति कहा, ऐसे बहुत विभूतियों में ये मास 12 महीने में जो ये मास है इस मास को कहते हैं मार्गशीर्ष मास। और इस मास में आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। मैं आज की तिथि का महत्व बताऊं उसके पहले जो कल तिथि निकल गई है उसकी भी बड़ी महिमा है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान ने एक अवतार ग्रहण किया और वो अवतार का नाम है
दत्तात्रेय अवतार। तो कल भगवान दत्तात्रेय जी का जन्मदिन था। ब्रह्मा विष्णु और महेश की संयुक्त प्रतिमूर्ति को दत्तात्रेय कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की जो मिली जुली मूर्ति है वही दत्तात्रेय है। तीन रूप दत्तात्रेय जी के तीन सिर हैं और छह भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय को बहुज्ञ माना जाता है और इसमें पुराणों में बहुत कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार मैं आपको बताऊं। एक बार महर्षि नारद जी भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उनके लोकों में गए। नारद जी को जैसा कि आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों से मिलने की इच्छा इनकी हुई। ब्रह्मा जी के लोक में गए, सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक है, वहां ब्रह्मा जी नहीं मिले। विष्णु लोक में वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने गए, ब्रह्मा जी नहीं मिले। कैलाश में शिव जी से मिलने गए, शिव जी भी नहीं मिले। तीनों देवताओं में से किसी से भेंट नहीं हो पाए। तीनों नहीं मिले लेकिन तीनों की धर्म पत्नियां मिली। ब्रह्मा जी की पत्नी मिली, सरस्वती जी से बातचीत हुई। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी से बातचीत हुई। महादेव की धर्म पत्नी भगवती जगदम्बा पार्वती जी से बात हुई। महर्षि नारद जी ने महसूस किया ये तीनों देवियां ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की जो पत्नी हैं ये संसार में अपने आप को बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता समझती हैं। ऐसे स्कंद पुराण के काशी खंड में धरती के छह आधार माने गए हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती सत्यवादि भी निर्लोभैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। धरती को धारण करने वाले सात आधार हैं धरती के। उनमें से सबसे पहला है गाय, दूसरे हैं ब्राह्मण गोभिर विप्रैश्च, तीसरे हैं वेद, चौथे हैं पतिव्रता माताएं बहने। ये धरती को धारण करती हैं। तो गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता, सत्यवादी पुरुष जो सत्य का जीवन में आचरण करते हैं, सत्य के अनुसार जिनका जीवन रहता है, पवित्र जीवन, ऐसे सत्यवादी, सती भी सत्य धर्म, सत्य भी सती भी सत्यवादी भी। और पांचवे हैं गोभिर विप्रैश्च वेदे सती भी सत्यवादी भी निर्लोभ। छठे हैं निर्लोभी पुरुष जो लोभ नहीं करते। और सातवें हैं दानशील जो दान देते हैं। ये सातों धरती की रक्षा करते हैं। धरती इन्हीं के सहारे टिकी हुई है ऐसा कहना चाहिए। जब तक ये सात रहेंगे तब तक धरती टिकी रहेगी। नहीं तो धरती के नीचे भी जल है, धरती के चारों ओर भी जल है और मिट्टी जल में घुलने में देर थोड़ी लगती है। लेकिन ये आप धर्मात्माओं के सहारे से धरती आज भी टिकी हुई है, टिकी रहेगी। तो इनमें पतिव्रताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्म पत्नियों का बड़ा भारी सहयोग है। पिछले दिनों आपने कथा सुनी थी, मैं सुना रहा था तुलसी विवाह के दिन कि जो जलंधर जो तुलसी जी के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर की रक्षा हुई थी। लेकिन जरा सा उसका पतिव्रत धर्म डगमगाया कि जलंधर की मृत्यु हो गई। माताएं बहनें अपने परिवार की संरक्षा करती हैं अपने शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से। तो लेकिन इसमें पतिव्रता होने का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम कोई कार्य करें और उसमें जब हम भक्ति करें, भजन करें, पूजन करें, उसमें जब अभिमान हो जाता है, स्वाभिमान रहना तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। विनम्रता भी होती है, जो बड़े लोग होते हैं
उनमें बड़प्पन होता है और विनम्रता भी रहती है, वही उनका गुण होता है, बड़प्पन के साथ साथ विनम्रता, सबके साथ प्रेम रहना। तो नारद जी ने देखा कि इन तीनों माताओं को बड़ा भारी गर्व है। ब्रह्मा जी के घर गए, ब्रह्मा जी से जाकर बोले, देवी मैं सारे संसार में घूमता हूं और मैंने बड़ी बड़ी पतिव्रता देखी है। तो ब्रह्माणी जी को लगा कि शायद मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन नारद जी क्या तुम बताओगे संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? नारद जी बोले, हाँ मैंने एक महिला देखी है जो बड़ी श्रेष्ठ पतिव्रता है, लेकिन वो कौन है? बोले वो है अत्रि महात्मा की पत्नी, उसका नाम है अनुसूया, जो किसी से असूया नहीं करती, किसी को देखकर जलती नहीं, द्वेष नहीं रखती, ईर्ष्या नहीं रखती, लेकिन बड़ी भारी पतिव्रता है, अपने पति की बड़ी सेवा करती है और उसमें बड़ी भारी शक्तियां हैं। गंगा जी को अपने पति की सेवा के लिए चित्रकूट में बुलाया था अनुसूया ने, बड़ी प्रशंसा करी। अच्छा माता जी अब मैं चलता हूं। लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी ने भी नारद जी को सम्मान किया, नारद जी आइए, लेकिन वहां नारद जी ने, माता जी मैंने संसार में बड़ी पतिव्रता देखी है। विष्णु पत्नी ने पूछा कि तो संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? बोले आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन पतिव्रता तो अनसूया है। ऐसे ही पार्वती से भी कहा, तीनों देवियों ने जब सुना तो उनको थोड़ी ईर्ष्या हुई। अनुसूया को ईर्ष्या नहीं है, हम लोगों में भी होता है कई बार, आप लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई दूसरे की प्रशंसा करे तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे सामने हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, दूसरे की क्यों हो? लेकिन अच्छे लोग कभी मुंह पर प्रशंसा नहीं करते, आपकी प्रशंसा करनी होगी तो कहीं आपके पीछे करेंगे, वही अच्छे लोग होते हैं। सामने करने वाले तो चापलूस होते हैं, जिनको अपना काम निकालना होता है, तो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके जैसा श्रेष्ठ तो संसार में हमने कोई देखा ही, लेकिन पीछे आपकी निंदा भी करेंगे। तो लेकिन माताओं को असूया हो गई अनसूया से, और माताओं ने, तीनों माताओं ने अपने मन में सोचा कि हम इतना पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं, नारद ने हमारी प्रशंसा नहीं की हमारे सामने, और अत्रि की पत्नी अनसूया की प्रशंसा क्यों की? नारद जी ने कहा था कि अनसूया के जैसा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिला मैंने संसार में कोई देखी नहीं, उनका शील, उनका सद्गुण ऐसा कहीं आज तक मिलता नहीं है। तो पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री को ईर्ष्या हुई। नारद जी तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन तीनों बड़ी व्याकुलता से अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगी, प्रतीक्षा करने लगी। ब्रह्मा जी जब घर गए, विष्णु जी जब घर गए, शिव जी घर गए, तो तीनों ने अपने अपने स्वामी को अनुसूया के संबंध में बताया कि अनुसूया कौन है, नारद जी उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आखिर तीनों देवताओं को राजी कर लिया कि आप जाइए और अनुसूया की परीक्षा लेकर आइए कि वो कैसी पतिव्रता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अनुसूया का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए, आप याद रखना, ध्यान रखना, जब आप साधन में, भजन में आगे बढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा होती है, और वो परीक्षा में आप और हम सफल हों ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो तीनों देवियों के पास, तीनों देवता अनसूया के पास पहुंच गए। अनसूया, मैंने जैसा कि आपको निवेदन किया, अत्रि महात्मा की धर्म पत्नी का नाम है अनसूया। अत्रि के आश्रम में गए अनसूया का व्रत भंग करने के लिए। शिव जी ने विष्णु से पूछा, विष्णु आप कैसे पधारे? विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, तीनों ने आपस में बातचीत की, तो उन्होंने सब एक ही उद्देश्य बताया। तो बोले चलो ऐसा करते हैं,
तीनों अनुसुईया के आश्रम में याचक बन के चलते हैं, भिक्षुक बन के चलते हैं। तीनों देवता भिक्षा मांगने के लिए गए और वहां अनुसुईया से भिक्षा मांगी। अनुसुईया ने महात्माओं को भिक्षा लाकर दी, लेकिन महात्मा बोले, दोनों तीनों महात्मा बन के गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महात्मा बने, साधु बनकर गए, माता जी हमें भिक्षा दो। लेकिन माता जी भिक्षा देने चली तो बोली कि ऐसी हम भिक्षा नहीं लेते, हम भिक्षा न केवल इच्छानुसार भोजन करेंगे, लेकिन माता जी से कहने लगे कि अनुसुईया ने कहा, महाराज अतिथि सेवा में तत्पर। अनुसुईया बोली, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, मैं भोजन तैयार करती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। स्नान करके भोजन परोसा गया तो कहते हैं, माता जी ऐसे भोजन हम नहीं करेंगे। तो कैसे भोजन करेंगे? आप वस्त्रहीन होकर भोजन परोसो तो हम भोजन करेंगे। माता जी मन में सोचने लगी, आज तक कोई महात्मा ऐसा हमने देखा नहीं, कोई महात्मा किसी स्त्री से कहे कि आप माता जी हमें भोजन खिलाओ लेकिन आपके शरीर पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। माता जी ने महाराज जरा सब क्षण भर रुकिए, मैं अभी सोचती हूँ क्या करना चाहिए। अपने पति के चरणों का ध्यान किया, हे पतिदेव ये मेरी कैसी परीक्षा है, और पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण आज सारा संसार मुझे जानता है, देवताओं का छल कपट, ब्रह्मा विष्णु महेश का छल कपट सभी को पता चल गया। हम जो भी कुछ व्यवहार करते हैं संसार में, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, उनको पृथ्वी देखती है, जल देखता है, अग्नि देखता है, वायु देखता है, आकाश देखता है, अपना आप अंतःकरण आत्मा देखता है, सब कोई देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई किसी से कुछ छिपाते हैं, लेकिन कुछ छिपता नहीं है, वो सब सबके सामने आ ही जाता है। आखिर तीनों देवताओं को आसन पर बिठाए हुए छोड़कर, महाराज बैठिए मैं अभी आपकी भोजन का प्रबंध करती हूँ, अत्रि महात्मा के पास पहुंच गए और अत्रि महात्मा के चरण धोए। अत्रि महात्मा उनके पति हैं और जो चरणामृत था अपने पतिदेव के चरणों का वो हाथ में लेकर और तीनों देवताओं के ऊपर अपवित्र अपवित्रो वा सर्व अवस्थांगतो पिबा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। पति के लिए, पत्नी के लिए पति जो है वही परमेश्वर के समान है। तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़क दिया और जैसे ही वो जल छिड़का तो तीनों देवता छोटे छोटे तीन तीन दो दो तीन तीन महीने के बच्चे बन गए। ये कथा है पुराण में कि एक पतिव्रत आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को दुधमुहे बच्चे बना दिया और बच्चे बनकर क्रीड़ा करने लगे। माता ने, दो महीने का बच्चे माता गोद में ले ले तो उसको क्या लगता है। माता ने कहा, महाराज जैसे आप कहते थे अब मैं आपको भोजन कराती हूँ। दो महीने के बच्चे के सामने माता निर्वस्त्र भी हो जाए तो क्या है। तो उनको नग्न होकर माता जी ने पूरा पेट भर के दूध पिलाया, तीनों बच्चों को दूध पिलाकर तृप्त किया, तृप्त करके पलने में झुला दिया। माता अनुसुईया ने जरा दो दो पंक्ति गुनगुनाई श्रद्धा से। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। Thank you.
ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर आज कुटिया में आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आज कुटिया में आए, देख के तपस्या तीनों लजा गए, देख के तपस्या तीनों लजा गए। माता का तेज देख नष्ट हुई साधना, माता का तेज देख नष्ट हुई साधना, झूल रहे तीन देव बन कर पिलाना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर पिलाना। स्वर्ग स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में विराजते, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक में विराजते, कुटिया में बास के जीवन गुजारते, देव वृत्त भाग्य की, देव वृत्त भाग्य की कर रहे सराहना, देव वृत्त सती की कर रहे सराहना, झूल रहे तीन देव बन कर पिलाना। शंकर भगवान की तीनों देवता बड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं। अब तीनों देवताओं की तपस्या, सारी की सारी तपस्या, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि संचालन करते हैं, संहार करते हैं, आज तीन तीन महीने के बच्चे बने हुए हैं। माता जी ने तीनों को पलने में झुलाया, लेकिन बड़े प्रेम से माता जी मुस्कुराती हुई, ममता मई उनकी मुख शोभा देखने लगी। कई दिन बीत गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी तीनों अपने घर स्वर्ग लोक में जो पहुंचकर, ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में नहीं गए, विष्णु वैकुंठ में नहीं गए, शंकर कैलाश में नहीं गए, तो तीनों पत्नियां बड़ी चिंतित हुई। एक दिन हाथ में वीणा लिए हुए हरि गुणगान करते हुए नारद जी आए। नारद जी ने ब्रह्माणी के पास जाकर पूछा, माता जी कैसे हैं आप? विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी से पूछा, देवी कैसे है, क्या समाचार है? पार्वती से पूछा, तीनों की तीनों अपनी चिंता बताने लगी, हमारे पति देव कई दिन से घर नहीं आए हैं। तो महाराज नारद जी बोले, माता जी कब से नहीं आए, कब से नहीं आए? बोले, जिस दिन से आप गए हैं ना उसी दिन से नहीं आए। नारद जी बोले, मैं तो नहीं जानता हूं क्या कारण है, लेकिन हो सकता है अत्रि के आश्रम की ओर न चले गए हों, आप कृपा करके वहां उनको मालूम कर लीजिए। तीनों देवों की पत्नियां ब्रह्माणी लक्ष्मी जी और भगवती जगदम्बा अत्रि के आश्रम में गए, और अत्रि के आश्रम में जाकर द्वार खटखटाया, देवी अनसुईया से हमें मिलना है। अनसुईया ने कहा, हाँ देवी बताओ आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने बताया, हमारे पति कई दिन से आए हमारे घर नहीं लौटे हैं। आखिर अनसुईया समझ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पति वो तीनों के तीनों पलने में झूल रहे हैं, आप जाके उनका दर्शन कर लीजिए। तो तीनों देवियां ब्रह्माणी लक्ष्मी जी पार्वती जी पलने की ओर जाकर देखती हैं, तो अबोध बालकों की तरह से पांव का अंगूठा जैसे करा रविंदे निपदा रविंदम मुखा रविंदे विनिवेश यंतम वटस्य पत्र से फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, जैसे कि आप भगवान बाल रूप नारायण को देखते हैं, तीनों ऐसे ही बने हुए हैं। छोटे बच्चे का स्वभाव होता है अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल लेता है, स्वाभाविक। सती कहती है, सती सरस्वती जी से, एक देवी पहचानो ब्रह्मा जी कौन से हैं, लक्ष्मी जी पहचान लो विष्णु जी कौन से हैं, पार्वती जी पहचानो शंकर कौन से है, वहां शंकर को कोई जटा तो है नहीं, छोटे से शंकर। तीनों बच्चे शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी, कई बार तो बच्चे बदल जाते हैं, माताओं को पता भी नहीं चलता, छोटे छोटे बच्चों का क्या पता चलता है।
आखिर उनको पहचानना तीनों देवी के लिए बड़ा कठिन हो गया। लक्ष्मी जी ने बहुत सोच विचार करके एक बालक को विष्णु समझ के उठाया, बोले लगता है ये मेरे पति हैं। तब तक उनका स्वभाव मत देखती हो, इसका स्वभाव मैं तुझे दिखाती हूँ, ये तेरा पति नहीं है, शंकर है। अरे वाह, बड़ी लज्जित हो गई। लक्ष्मी जी का बड़ा मजाक उड़ाया। लक्ष्मी जी की दशा देखकर सावित्री और पार्वती घबरा गईं। तीनों बोली हम नहीं जाएंगे, हमने हमें नहीं पता कौन सा हमारा पति है, क्योंकि लक्ष्मी जी ने दूसरे को उठा लिया, अब हम क्या करें। तीनों ने हाथ जोड़कर अनसुईया माता से प्रार्थना करी, माता जी आप ही बताओ हमारे पति कौन से हैं, हम अपने अपने पति को ले लेंगी। लेकिन तीनों के तीनों छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं। अनसुईया कहती हैं, देखो इन्होंने मेरा दूध पिया है, अब ये तुम्हारे पति होंगे, लेकिन ये तो मेरे बच्चे हो गए, अब इन्हें किसी ना किसी रूप में मेरे पास तो रहना ही होगा। इन तीनों देवताओं के संयुक्त प्रयास से एक दैवी तेज प्रकट हुआ, जिनके तीन सिर थे, छह भुजाएं थीं, और ऐसा अलौकिक अवतार दत्तात्रेय भगवान की। अनसुया ने फिर से अपने पति के चरण धोए और पानी को देवताओं के ऊपर छिड़का, तीनों देवता अपने रूप में आ गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। और दत्तात्रेय, तीनों देवताओं ने माता जी को आशीर्वाद दिया, माता जी हम तीनों का ही प्रतिमूर्ति आपके घर में दत्तात्रेय रूप से हम तीनों विराजमान रहेंगे। ऐसे तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, ब्रह्मा जी के शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ये तीनों चंद्रमा, चंद्रमा भी अनसुया के पति हैं, पुत्र हैं, त्रि अनसुया के, और दुर्वासा भी उन्हीं के पुत्र हैं, दत्तात्रेय भी उनके पुत्र हैं। तो ये मैंने कल की कथा सुनाई, जो पीछे जाने वाला कल था, दत्तात्रेय जयंती के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दिया, ज्यादा समय तो नहीं है। मैं थोड़ा आज की कथा भी सुना दूं, क्योंकि प्रेजेंट में हम लोगों को रहना चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल है ना। जब हम भूत में चले जाते हैं तो हमको भूत पकड़ लेता है, भूत होता है ना, भूत, कई लोग कहते हैं हमें भूत ने पकड़ लिया, हमारा कोई भूत उतार दीजिए, और कई लोग शरीर में आपको मिल जाएंगे भूत उतारने वाले। मैं मुझे पता नहीं है, पेपर में कहीं लिखा रहता है कि किसी को कोई भूत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कीजिए, वो मैं जानता नहीं उस विषय में। लेकिन भूत माने जो समय बीत गया उसका हम चिंतन करने लगे, हाय ऐसा क्यों हो गया था, हाय ये कहाँ चला गया था, हाय हमने ऐसा क्यों कर दिया था, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, यही तो भूत हमें पकड़ लेता। भूत की भूत के बारे में जो सोचता है उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। अब बुरा ना माने, हमारे शास्त्रों में उसको मूर्ख कहा गया, गतन न सोचा हमें, मूर्खियों की संज्ञा जहां होती है ना, मूर्ख किसे कहते हैं, कालिदास की पत्नी कालिदास से मूर्ख के लक्षण पूछ रही थी। उसने कहा नहीं, तुम ऐसा करो, भोज की पत्नी से जाकर पूछो, भोज धारा नगरी के राजा थे, महाराज भोजराज, भोज को किसी ने मूर्ख कह दिया, और किसी ने क्या कहा, उसकी पत्नी ने ही मूर्ख कह दिया, राजा भोज की पत्नी ने भोजराज को मूर्ख कह दिया, तो भोजराज को बड़ा क्रोध आया। कालिदास नवरत्नों में से एक रत्न थे, भोजराज के घर में जब सभा में आ रहे थे तो राजा भोज ने कालिदास को कहा, आइए मूर्ख, पंडित जी को मूर्ख कह दिया। पंडित जी नाराज नहीं हुए, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है। कालिदास ने सोचा जरूर राजा को किसी ने मूर्ख कहा होगा, तो राजा मुझे मूर्ख कहकर मूर्ख का लक्षण पूछना चाहता है, क्योंकि हमें मूर्ख का लक्षण बताओ ये कहें तो एक दूसरा तरीका हो जाता है, लेकिन मूर्ख कह दो अपने आप बोलेगा आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा। कालिदास ने जब सुना कि राजा मुझे मूर्ख कह रहा है, तो राजा ने कहा कि महाराज मूर्ख के तो पांच लक्षण होते हैं, कौन कौन से, गतन न सोचा मैं,
कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि, हसन न जलपे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किं कारणम भोज भवामि मूर्खः। मैं पांच लक्षणों से तो युक्त हूं नहीं, आपने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया? आप बुरा नहीं मानना किसी में कोई लक्षण घटता हो तो, ऐसा नहीं कि मैं चलते चलते खाता नहीं हूं और मैं हंसते हंसते बात नहीं करता हूं। अरे खा लो कि चलो, एक काम, एक बात बात करो या हंसो, दोनों काम एक साथ में। गतन न सोचामी, जो बीत जाए उसको बार बार सोचना नहीं। कृतम न मन्ये, किसी का उपकार कर दो और बार बार कहते रहो हमने तुम्हारा ये किया था। चार हो गए और पांचवा है द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। दो बात कर रहे हो और आप जाके नहीं नहीं सुनो मेरी बात, सुनो मैं बोलता हूं। अरे तुम क्यों बोलते हो? दो बात कर रहे हैं उनको करने दो, तुम बीच में टांग क्यों उड़ाते हो? बीच में जो टांग अड़ाते हैं वो भी पांचवें माने जाते हैं। तब उनको कहा कि महाराज इन पांचों में से तो मैं कोई भी नहीं हूं, आप मुझे मूर्ख किस लिए कहते हैं? तो देखिए बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको कह रहा था कि वर्तमान आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम कहते हैं कल का दिन देखा है किसने, आज का दिन हम खोए क्यों? और जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम, आप बोलिए, रोने की जरूरत क्या है? ये बढ़िया, भगवान ने हंसने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए आज का दिन दिया। आज का दिन क्या है? आज के दिन सब बोलिए मुरारी भगवान की। आज के दिन भगवान का नामकरण हुआ मुरारी। मुरारी क्यों हुआ? अब कई बार लोग बोलते हैं श्री, हम लोग बुलवाते हैं, कीर्तन कराते हैं आपसे, आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। कई माताएं मैंने बोलती हैं लेकिन मुराना माने के गलती करते हैं, तो गलती तो हम बताएंगे ना आपको। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नहीं बोलना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कई बार कई मुरारी बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मुरारी नहीं, मुरारी क्यों नहीं? मुरारी तो नाम है लेकिन संबोधन में उनको मुरारे कहा जाता है। तो मुरारी, आज के दिन उनका मुरारी नाम रखा गया। क्यों रखा गया? मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को जीवन में सुख शांति मिलती है, मृत्यु के पश्चात निष्ठ लोक का वास मिलता है। और इस दिन परोपकारिणी देवी का जन्म हुआ, इसलिए इस दिन व्रत करके भगवत भक्ति भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व माना गया है। और एक कथा छोटी सी सुन लीजिए, समय समाप्त हो गया है। सतयुग में एक मुर नाम का राक्षस था। मुर, मुर अरी, अरी माने दुश्मन, मुर के दुश्मन, मुर के शत्रु, इसलिए उनको मुरारी कहा। मुरस्य मुर नामकस्य दैत्यस्य अरिहि इत्यस्मात् श्री कृष्णः श्री विष्णुः मुरारी। तो विष्णु सतयुग में मुर नाम के दानव दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र को अपदस्थ कर दिया, उसकी गद्दी से उतार दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में गए, उन्होंने विष्णु जी के पास जाने का आदेश दिया। शिव जी के आदेश से देवता विष्णु जी के पास गए और अपनी कथा सुनाई। विष्णु जी भगवान उनकी सहायता करने को तत्पर हुए और उन्होंने अन्य दानवों का तो संहार कर दिया लेकिन मुर मरा नहीं। मुर बड़ा शक्तिशाली था, वो किसी देवता के वरदान से अजय हो गया था। विष्णु भगवान मुर से लड़ना छोड़ करके बद्रिकाश्रम में गए और गुफा में आराम करने लगे। मुर ने विष्णु भगवान का बद्रिकाश्रम तक पीछा किया और वहां जाकर विष्णु भगवान को मारना चाहा, मुर नाम की राक्षस ने। विष्णु भगवान के शरीर से कन्या पैदा हुई और उस कन्या ने भीषण रूप धारण किया और मुर नाम के राक्षस को मार दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया कि मैं आपके अंग से पैदा हुई हूं। विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान दिया कि तुम संसार के माया जाल में उलझे हुए लोगों को, मोहवश जो मुझे भूल गए हैं ऐसे प्राणियों को मुझ तक लाने के लिए सक्षम हो जाओगी और तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी जीवन भर सुखी रहेंगे और उनको मरने के बाद में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। वही कन्या, उस कन्या का नाम हुआ एकादशी। एकादशी
एकादश माने 11, 11 इंद्रियों को कंट्रोल करने की कथा है। इसके विषय में हम और भी आपको चर्चा फिर करेंगे, समय का अभाव है। तो वही उत्पन्ना एकादशी, आज के दिन एकादशी का जन्म हुआ है। और एकादशी बिन व्रत कहारे, कोई बहुत सारे व्रत करो एकादशी के बिना, और अगर एकादशी को रोटी भी खा लो लेकिन 11 इंद्रियों को कंट्रोल करो, तो उसका स्वरूप हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे व्रत भी करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय चौधरी जी से प्रार्थना है, आज की सूचना देंगे, उसके बाद में हम आरती करेंगे। एक बार जोर से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की। यहाँ पर आए हुए सभी उपस्थित भाई बहनों का स्वागत करते हैं मंदिर में, और हमारे स्वामी जी